कैसे हो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं दिखाने वाला हूँ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। तो चलते हैं, दिखाते हैं। आप देख सकते हो राहुल गांधी जी के आने के बाद में बर्फ़बारी कितनी तगड़ी हो रही है और लोग बाग काफ़ी मज़े ले रहे हैं इस बर्फ़बारी में। आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। बाबा तो पिछाओगे रे हम करोड़ों लोग हैं नहीं देश में। यात्रा जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। थैंक यू भाई। ओके गाना गाते हुए चल रहे थे। हाँ भैया, मैं दो दिन से ऐसी मस्ती कर रहा हूँ। शाहीन साथियों, मैम जी भारत जोड़ो यात्रा में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक पहुंच गए। कन्याकुमारी में भी भाषाएं बदली, जगह बदला, लोगों का खाना पीना बदला, रहन सहन बदली, लेकिन मौसम बदले, लेकिन जो नहीं बदला वो लोगों का प्यार सम्मान और जो गर्मजोशी से लोग मिले हैं। हर जगह प्यार मिला है, जनसैलाब उमड़ा है। जो कन्याकुमारी से हम चलते हुए आज कश्मीर पहुंच गए, श्रीनगर पहुंच गए, आज भी वही है। बहुत खुशी की बात है कि हमने एक इतिहास रचा है देश को जोड़ने के लिए, नफरतों को खत्म करने के लिए, भाईचारे के लिए। बहुत कश्मीर की जनता का, श्रीनगर की जनता का, देश की जनता का शुक्रिया। उन्होंने दिल खोलकर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, इस्तकबाल किया और इस यात्रा में साथ दिया। एक बार कहो, राहुल गांधी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो भारत जोड़ो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मरना मारना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए। जी बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मरना मारना नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए। सब आपस में भाईचारा और प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन लड़ाना तो सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते। और अगर लड़ाएंगे नहीं, नफरत की खेती नहीं करेंगे, तो उनकी रोटी दाल और सत्ता की कुर्सी कैसे पाएंगे? बस इसीलिए आपस में प्यार
बांटना है, हमें देशवासियों को भाईचारा से रहना है और इस देश की एकता को लेकर चलना है, उसी में तो हमारी जीत है। मैम जी, ये राहुल गांधी जी कश्मीर में आए हैं जी, इनको इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि हम सोच भी नहीं सकते जी, बिल्कुल तो नहीं सोच सकते। आज ये यहाँ पर रहेंगे, कल कहाँ पर जाएंगे राहुल साहब? कल कहाँ तक का दौरा है? कल भी यहाँ पर रैली है, कल के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस यात्रा के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ये यात्रा हमारे लिए इबादत जैसी थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम, हर तकलीफ को माशाल्लाह 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 कुमारी से हम कश्मीर की सरजमीन आप लोग इस आप लोग इस चीले खलान के महीने में इतनी मेहनत करके पैदल आए हो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है राहुल साहब को, और आप लोगों का प्यार है। आप लोग वहाँ यहाँ पर इतनी दूर से कन्याकुमारी से चल के आए तो आपका वेरी 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 मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, जय हिंद जी। सर आपका नाम क्या है? मैं अब्दुल अहद, मेरा नाम है सर। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के एक दूर दराज इलाके से इस रात की यात्रा में शामिल होने के लिए जुड़ा हूँ। मकसद यही है कि हमारा जो देश इस वक्त नफरत की आग में जल रहा है, हमारा देश जहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा देश जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से फिर धकेला जा रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश इतना कमजोर हो जाए, क्योंकि पिछले 47 साल में हमारा देश कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचा है, लेकिन अब लग रहा है कि अब देश वहीं पहुंच रहा है जहां 47 से पहले था। इसलिए हम इस नफरत की दीवार को छोड़ना चाहते हैं। हमने पहले ही हमारे जो यहां मुफ्ती साहब थे या दीगर थे, वो हमेशा कहते थे कि दोस्ती करो, आपसी ममालिक जो है उनके साथ दोस्ती करो, प्यार करो। हमने मुफ्ती साहब ने अपनी अन्ना को छोड़कर बीजेपी के साथ के भी जम्मू और कश्मीर की इस दीवार को, जो लोग जम्मू और कश्मीर को लड़ाते थे उसको खत्म करने के लिए उसने उनके साथ भी, लेकिन सांप सांप ही निकलते हैं, इस इताद को फिर तोड़ना पड़ा। आज फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो राहुल जी ने जो ये यात्रा शुरू की है, हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, बौद्ध, सिख, सब ने इस यात्रा को पूरा सपोर्ट दिया है, और हम भी इस यात्रा के साथ इसी मकसद से जुड़े हैं और इसी आश के साथ जुड़े हैं कि हमारा हिंदुस्तान फिर फूले पले, नफरत की दीवारें गिर जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छे से बात की। तो राहुल साहब हमारे आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो वो ही देखते हैं, पहले खुदा उसके बाद में हम उन्हीं से इल्तिजा करते हैं कि वो कुछ यहाँ पे कश्मीर के बारे में और हर एक के बारे में अच्छे से अच्छा करें और अच्छे से अच्छा सोचें। थैंक यू भाई भाई। मैम जी, हाय, आप क्यों नहीं बता रहे? भारत जोड़ो यात्रा में सभी को अच्छा लग रहा है, पूरे देश को अच्छा लग रहा है, पूरे देश को ये उम्मीद है कि इस तानाशाही शासन के खिलाफ कोई तो सड़कों पर उतर रहा है। और यहाँ पर देखिए, आज श्रीनगर में भी कितने हजारों युवाओं में वो जोश दिख रहा है, नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लग रहे हैं। युवाओं में उम्मीद है राहुल गांधी के प्रति, महिलाओं में उम्मीद है राहुल गांधी के प्रति, हर वर्ग में उम्मीद है राहुल गांधी के प्रति, और राहुल गांधी की इस यात्रा से पूरे देश को उम्मीद है और अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। ओके, थैंक यू दोस्त, बहुत अच्छे हैं। आज हम कन्याकुमारी से लेकर के चले थे, मैं छत्तीसगढ़ से पार्वती साहू, और मैंने अकेले ठानी थी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगी, और अपने दम पे मैं कन्याकुमारी से अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ चलकर आज मैं कश्मीर के लाल चौक पर उपस्थित हूँ, जहाँ पे आज यात्रा का समापन है। और यह जो यात्रा थी देश हित, लोक हित, संविधान हित में था, भाईचारे की भावना वाली एक अखंड भारत बनाने का जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ किया था कन्याकुमारी से, हम उसी यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल करके यहाँ पे उपस्थित हुए, और यहाँ पे सभी देश के अलग अलग जगह से आए हैं, और उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है राहुल गांधी के साथ में आके? आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या सभी साथ देंगे? जी बिल्कुल साथ देंगे, हम तो वही लेकर के पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम सभी लोगों को, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, सभी को हम एक भाईचारे की भावना से एकता की सूत्र में बांधने के लिए हम लेकर के चले थे। आज हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो लक्ष्य लेकर चले थे उनको प्राप्त किए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ, क्योंकि ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा थी और हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे जो नेता कर रहे थे वो देश हित में था, लोक हित में था, संविधान हित में था,
सभी को भाईचारा की भावना से रहना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य था आज पूरा किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देती हूँ और हमें भी इस यात्रा में आने का सौभाग्य मिले इसके लिए हम बहुत बहुत गौरव में महसूस करके आभारी हैं। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू आपका, थैंक यू वेरी मच मैम। यात्रा जो है वो समाप्त हुई है, कहा जाए तो फाइनली जो है भारत जोड़ो यात्रा ने 3,570 किलोमीटर का जो स्ट्रेच कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा इस समय जो है वो श्रीनगर पहुंच गई है और आज जो इस यात्रा का यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे अभी समापन हुआ है। पूरी की पूरी यात्रा हमने दिखाई, मेरे लिए खुद के लिए पर्सनली बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था और यहाँ पर मैं आपको जो है मूड दिखा रही हूँ किस तरीके से मूड है। यहाँ पर काफी सारा भाई साहब के लोग अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो श्रीनगर पहुँच गई है और पूरी यात्रा हमने आपको दिखाई क्रिस क्रॉस करते करते जो है पूरे देश भर से। सो फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम भारत जोड़ो यात्रा, दिस इज सुप्रिय भारद्वाज। यार खुशी का अस्त्र है, कैसा लग रहा है आपको? आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आई हूँ। कैसा लगा? आप पैदल ही वॉक करके आए हो? हमारे बिहार में भी यात्रा चल रही है। राहुल साहब के साथ अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। ओके थैंक यू वेरी मच मैम। सर आपका शुभ नेम क्या है? डॉक्टर मनोज उपाध्याय। अच्छा मनोज साहब आप कहाँ से आए हैं? सर मुंबई से। मुंबई से आए हैं तो आपको राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में कैसा लगा जनाब? कन्याकुमारी से चल रहे हैं हम। कन्याकुमारी से चल के आए हैं और यहाँ पे चीले कलान चल रहा है, सर्दी का बहुत खतरनाक मौसम है लेकिन आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। आप मुझे बताइए आप वापसी कब है आपकी? हमारी परसों वापसी। परसों? अच्छा अच्छा 31st। अभी बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यात्रा की समाप्ति के साथ ही कश्मीर की जनता ने जो प्यार जताया है राहुल जी के नेतृत्व को और हम सभी के साथ जो अच्छा व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, मोहब्बत, प्यार दर्शाया है, ये ना भूलने वाला है। कभी भूलेंगे नहीं कश्मीर के प्यार को, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अच्छा ये बताइए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, जो भाजपा की सरकार दे नहीं पा रही है। इसके लिए देश में विखंडन की सोच चल रही है, उस सोच को खत्म करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मरना मारना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए, हमारे पंकज सर ने बताया है। तो पंकज सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। ओके थैंक यू बाय। सर आपका शुभ नेम क्या है? रंगलाल हल्दार। अच्छा जी आप कहाँ से आए हैं? सर हम अंडमान निकोबार आइलैंड से आए हैं। अंडमान निकोबार, ये तो बहुत काफ़ी दूर है, कितने किलोमीटर हो गए? बहुत, ये यहाँ से वो तो बहुत है, 10,000 किलोमीटर होगा सर।
यानी कि आपको कैसा लग रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा में? राहुल गांधी जी की तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हम लोग अच्छा लगा करके हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँचे राहुल जी के साथ। बहुत आप लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है, तो आपकी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी। थैंक यू। आपका शुभ नेम क्या है? MD और फराज साहिल। फराज साहिल, साहिल जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस बिहार। ओके ओके ओके। आपको कैसा लगा है राहुल गांधी जी की यात्रा में? मैं तो लगातार राहुल जी के साथ यात्रा में चल रहा हूँ। आप कन्याकुमारी से ही चल के आए हैं? हाँ, कन्याकुमारी से भी चला और बीच में मैं गैप भी हुआ, बीच में मध्य प्रदेश में चला और उसके बाद जम्मू से मैं ज्वाइन किया हूँ। अच्छा। और लगातार मैं जम्मू से चल कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये तादाद मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, जी जी जी, ये देश के एक राजकुमार हैं, जी जी जी, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो एक राजकुमार आज रोड पे है, जी जी, तो मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए जिनके परिवार में दो दो शहादतें दी, प्रधानमंत्री ने शहादतें दी, इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जी जी, और आज उनके ही परिवार से राहुल गांधी जी आते हैं, जी जी, जिस तरह से हमने तो आज तक महात्मा गांधी की आंदोलन नहीं देखा, लेकिन ये दूसरी आंदोलन होगी जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया, सेकंड आंदोलन है जी, और जिस तरह से मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये कन्याकुमारी से 36,000 मीटर का मतलब ये यात्रा पूरी की, और आज ये लाल चौक पर ये झंडा तोलन होगा, तो जिस तरह से कश्मीरियों में हर्ष है, खुशी का माहौल है, लोगों ने स्वागत किया है, ये अद्भुत है और बहुत काबिले तारीफ है। अद्भुत स्वागत किया जी, अद्भुत स्वागत किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ बिहार कांग्रेस यूथ कांग्रेस की ओर से। और मैं कहना चाहूँगा कि मोहब्बत का पैगाम देने के लिए इन्होंने जो रोड पे निकला है, इसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये अच्छे दिनों का शुभ संकेत। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नमस्कार मैम जी, आप कैसी है मैम जी? आप कहाँ से आए हो मैम जी? मैं अभी कन्याकुमारी से चलकर आ रही हूँ राहुल जी के साथ, पर मैं मध्य प्रदेश की हूँ और दिल्ली में वकालत करती हूँ। ओह माशाल्लाह, आप कन्याकुमारी से चल के आई हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी को ऊपर वाला कामयाब करेगा? हम सबको कामयाब करेगा, इस देश को कामयाब करेगा, कश्मीर को कामयाब करेगा और देश के सारे लोगों को कामयाब करेगा। राहुल गांधी जी की मोहब्बत, प्यार मोहब्बत में कश्मीरी लोग, आप अपने अपने घरों से निकले हैं, चिले कलान के सर्दी के मौसम में निकले हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ के लोग पूरा पूरा साथ देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ना हर व्यक्ति प्यार मोहब्बत की भाषा जानता है, और ख़ास तौर पर यदि कश्मीर की बात करें जहाँ पर भाजपा और RSS ने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करी है, तो यहाँ के लोगों को मोहब्बत की जितनी ज़्यादा अहमियत पता है, यहाँ के लोगों के मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, प्यार की बहुत सख्त ज़रूरत है जी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की जो पूरी यात्रा है उस मोहब्बत का संदेश लेकर आई है, और वो लोग उसको सुन भी रहे हैं और वो मोहब्बत जो है वो लुटा भी रहे हैं, उसे अदा और दिख भी रही है लोगों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि यदि और कोई नेता आता तो शायद किस तरीके से गर्मा उसका उनका स्वागत नहीं होता जितना राहुल गांधी जी का हुआ है। अच्छा मैम जी, आप क्या कहना चाहेंगी राहुल गांधी जी यात्रा पे आए हुए हैं कश्मीर के अंदर? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा जी। हम लोग 3 स्टेट में उनके साथ थे। अच्छा, और जो यहाँ के लोगों को उनके प्रति जो प्यार देखा है जी मैम, लाजवाब है, और सही में वो ये जोड़ने निकले हैं यहाँ आके समझ में आ रहा कि सही में वो मकसद कामयाब होता है। तो आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या चाहते हैं? हमारे देश में पहले तो ऐसे था नहीं, हमारी तो संस्कृति ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, अब कुछ लोगों ने उसको नफरत की राजनीति बना दिया है, लेकिन एक मसीहा उसके लिए बाहर निकला है, 4,500 किलोमीटर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा तो होगा ही होगा। हो गया ही होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सिर्फ रोटी चाहिए, मैं प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, वो राहुल साहब पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, कन्याकुमारी से चल के आए कश्मीर में इस चिले कलान के मौसम में, यहाँ पे टॉप की सर्दी होती है इस टाइम पे, तो राहुल गांधी जी की मेहनत है और आप लोगों का प्यार है, तो आप दुआ कीजिएगा कि राहुल साहब कामयाब हो जाए। और हम आप सभी कश्मीरी लोगों के हमेशा साथ है रहेंगे आगे भी। आपका शुभ नेम क्या है मैम? शुभदा। शुभदा, थैंक यू वेरी मच मैम। हाय मैम, कैसी आप? ठीक हूँ मैं। आपका शुभ नेम? कृष्णा दास।
कृष्णा दास, आप कहाँ से आए हो? असम से। आपको राहुल गांधी जी की यात्रा में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार कांग्रेस सरकार आएगा 100% आएगा। आपका शुभ नाम? कृष्णा दास। कृष्णा दास, असम प्रदेश ऐसे डिपार्टमेंट चेयरमैन। आपका बहुत अच्छा नाम है और आपको आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह राहुल गांधी जी कामयाब होंगे इस बार। Beautiful part of India. So the win. So the response has been amazing here. People are wonderful and very receptive to bring about a change that we are all looking for. Next day yatra end होने वाली है, तो यात्रा को आप miss करेंगे? बहुत सारे miss करेंगे, बहुत सारे friends हो गया है, लोगों को मिलके बहुत बहुत खुशी हुआ, और मैं एक 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 message देना चाहती हूँ लोगों को, ये मोहब्बत love ओ उसको वापस जरूर लेके जाके स्प्रेड करना है, यही हमारा माय विशेस बिकॉज़ आई कम फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। मैम जी नमस्कार, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप ठीक हो? आपका शुभ नेम क्या है? मेरा नाम स्नेहा रेड्डी है जी। स्नेहा रेड्डी। अच्छा स्नेहा जी, आप मुझे बताइए राहुल साहब की इस भारत जोड़ो यात्रा में आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, द रेस्पॉन्स हैज बीन इनक्रेडिबल एंड I've been walking from Kanyakumari with him and have been through many different states. I want to say about 20-21 states. So it's been an incredible journey walking through from south to north. Rahul saab ne ye yatra nikal ke kya sandesh diya hai? Just one and only, just to among many other reasons, the most important being just to unite India, to make just to call us all just one India, one Bharat, and I think we've accomplished that for the most part. I think we just have to take this message back home to spread the love amongst our communities. आप असली कहाँ पे रहते हैं मैम? मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। न्यूयॉर्क में, यहाँ पे कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे रहते हैं? मैं बेंगलुरु की हूँ बट न्यूयॉर्क में रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड रुकिए, आप मुझे मेरे साथ में एक पिक। नमस्कार मैम जी। मैम जी आप कहाँ से आए हो? मैं जम्मू से आई हूँ, मेरा नाम आरती गुप्ता है। अच्छा आरती गुप्ता जी, राहुल गांधी जी की यात्रा में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव था, हम जम्मू से लेके यहाँ तक श्रीनगर तक यात्रा से जुड़े हैं और मुझे लगता है कि इससे बेहतर अनुभव मेरी लाइफ में पहले कभी मैंने महसूस नहीं किया। और मैं तरह तरह के लोग, तरह तरह के राज्यों के जो भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, बातचीत करने का मौका मिल रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी जी की प्यार मोहब्बत है जिस वजह से लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैम जी थैंक यू, आपका थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैम जी आपका शुभ नाम क्या है? सलमा सलवर खान जी। सलमा सलवर खान। मैम जी आपको कैसा लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा? मैंने आज ज्वाइन किया, बड़ी अच्छी, अच्छा लग रहा है। चलो शुक्रिया मैम जी, थैंक यू वेरी मच मैम जी। मैम जी नमस्ते, आप कैसी है मैम जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शरीफा रहमान है। शरीफा रहमान, माशाल्लाह, आप कहाँ से आई हैं? मैं आसाम से आई हूँ। आसाम से आई है, आपको भारत जोड़ो यात्रा में कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम कन्याकुमारी से जुड़ते हुए आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट में हम लोगों ने हफ्ता हफ्ता दिन समय दिया है जी, और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। एंड कश्मीर के बारे में बोलना चाहूँगी जी, कश्मीरी, यहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं इनके अंदर प्यार मोहब्बत कितना आपको नजर आया? देखिए हम दिस इज माय फर्स्ट विजिट, हम पहली बार आए हैं और शायद भारत जोड़ो यात्रा के वजह से ही यहाँ तक आने का कुछ एक मौका मिला जी। जी हमने हमेशा नेगेटिव चीजें ही न्यूज में सुनी है, बट यहाँ आके पता चला है जो हमने सुना था बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो सम्मान कश्मीर वालियों ने हमें यहाँ पे दिया है वो बहुत ही अलग है, बहुत अच्छा लगा हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? हम हैं जब तक यात्रा है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसके एक दो दिन बाद हम आपके कश्मीर के वादियों में घूमने का प्लान है, ताकि देखते हैं। मैम जी आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कश्मीर के अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो आपको बहुत कम ही मिलेगी, यहाँ पर राहुल गांधी जी तो धन है। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम।
बैटरी चार्ज है फुल, एक है हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, लाइव हो जाएगा, हुआ नहीं होगा उसके पीछे। इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं। हमने स्थानीय लोगों से सुबह बात करी थी और आज आपको, अब आपको एक अलग पहलू हम भारत जोड़ो यात्रा का दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ साए की तरह चले। कहते हैं ना कि जुस्तजू हो तो मंजिल खत्म कहाँ होती है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। और यहाँ पे ऐसे ही यात्री हैं जिनको आप भारत यात्री करार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये वो भारत यात्री हैं जो रात को सोएंगे तो इनको लगेगा हमारा कंटेनर कहाँ है, और रात को नींद में भी अब इनको चलने की आदत हो गई है। और यहाँ पे ये मिनी भारत समाया है। सारे भारत यात्री हाथ उठाइए, ये लगातार कन्याकुमारी से चले हैं। छुट्टी भी आई तो ये लोग घर नहीं गए। कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, अलग अलग इलाकों से। किम जो है लगड़ा के खूब चली, और किम अब नींद में भी चलेंगी आप? नहीं चलूंगी, आपके साथ चलूंगी, आपको नहीं छोड़ना है। बताइए कैसा रहा? Everything will be fine। यहाँ पे ये देखिए प्रतिभा, आप अलग राज्य से हैं पर भाषा नहीं आती थी, पर प्रेम की भाषा आप लोगों को सबको समझ में। बिल्कुल, और मुझे बहुत याद आएगा जब यात्रा शुरू की थी तो कंटेनर देख के रोना आता था कि इसमें कैसे रहेंगे, लेकिन आज वो कंटेनर हमें रुला रहा है। और जिन भी प्रदेशों से हम निकले मौसमी, भाषा नहीं थी लेकिन आंखों में और जो मुस्कान चेहरे पे थी, जो प्यार था, उसका कोई तोड़ नहीं है, और वो हमारे हौसले बढ़ाता था नफरत को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, देखिए और आशुतोष यहाँ पे ये लोग यही सवाल कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब क्या, क्योंकि ये लोग अब पश्चिम से पूरब तक की यात्रा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यही है राहुल गांधी के बब्बर शेर, जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं, हमारे साथ है। जोड़ो, पहले आ जाते भारत जोड़ो, यहाँ से करते हैं वो उसके लिए। मुझे जो है दो ही नहीं होंगे, रोज नहीं मिलेंगे, फोन से बात होगी, कभी करार मिला करेंगे। ये एक छोटी सी वो भी है, लेकिन बहुत खुशी है कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन के अंतिम बिंदु पर हैं, जिसका स्वप्न हमने 7 सितंबर को देखा था, और चलते चलते मील के पत्थर जैसा सफर राहुल जी के नेतृत्व में हमने उसको भावना कर दिया, इसकी हमें बहुत खुशी। और इसलिए सभी भारत यात्रियों का और पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस यात्रा को बहुत समर्थन दिया और बहुत प्यार दिया। क्या राहुल गांधी को लेके, मतलब आप लोग लगातार चले राहुल गांधी को लेकर? यही श्रीनगर लाल चौक पर जब पंडित नेहरू आए थे तो शेख अब्दुल शाह ने उनके लिए फारसी में शेर पढ़ा था, यही यात्रा रही है कि मन तू सुधम तू मन सुधी, मन तन सुधम तू जान सुधी, ताकत सा गोयर बाद अजीन, मन दिगारम तू दिगारी। इसके माने हैं कि तू मैं तू हो गए, मैं जिस्म तू रूह हो गए, कहने को अब क्या है बचा, ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा। तो यात्रा का प्यार है जो कन्याकुमारी से काश्मीर तक आया है, यही हमने इस यात्रा में पाया है, यही भारत। और लगातार भारत यात्रियों परिवार की तरह हैं आप लोग। बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग आने का जो एजेंडा था वो मुझे मिटता हुआ नजर आया। भाषा नहीं समझ में आई, लेकिन जब लोग मुस्कुराहट देते थे तो मुस्कुराहट से समझ में आ जाता था कि लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। 140 करोड़ लोग अमन और शांति से मोहब्बत से रहना चाहते हैं। हम ख्याल अगर मौजूद है कहीं तो ये समझ लो कि हम भी मौजूद हैं। तो ये देखने को मिला पूरी यात्रा में, हर प्रदेश में, हर राज्य में, जब हम हर राज्य से, हर जिले से, 14 राज्यों से हम लोग गुजरे, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, लेकिन एक चीज समझ में ये आ गई, लोगों की आंखों में चमक और मोहब्बत है, लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं। तो राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, रास्ता तय है उनका? क्यों नहीं, जरूर। उन्होंने जो तपस्या की है, ये हिंदुस्तान में जो लौ जगाई है उन्होंने, ये बिल्कुल ज्वाला बन करके सब देशवासियों को रोशन करेगी। और ये मान लीजिए जो नफरत की जो बात करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है,
बिल्कुल बिल्कुल देखिए हिंद देश के निवासी और यहाँ पे संदेश ये सबसे छोटी भारत यात्री है जिनका पूरा परिवार था यहाँ पे अडॉप्ट भी कर लिया गया था। सबसे ज्यादा आपको दुख हो रहा होगा? हाँ सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, अब तक के मुझे रोना नहीं आ रहा था, पर आपने बोला कि सबसे ज्यादा दुख इनको होगा। अच्छा नहीं, सबसे ज्यादा खुशी आपको हो रही है, आपको तो नया परिवार मिला है। नया परिवार मिला है मुझे, ये तीनों मेरी माए हैं, अभी मैं तीनों मेरी माए हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बहन बने हैं, पर ठीक है ये रिलेशन जो है हमेशा चलते रहेगा, ये तो कभी टूटने वाला नहीं है। पर एक चीज है कि जो हम साथ में रोज चलते थे, हर एक कदम पे हमारा एक डिस्कशन होता था, मिलना जुलना हर लोगों से, हम लोगों में देखते थे कि एक नई होप है राहुल गांधी को लेकर, एक नई होप है राहुल जी को लेकर, जब लोगों के लोकल्स लोगों को देखते जी। तो आई थिंक वो होप के लिए हम जो चले हैं वो बहुत बड़ी चीज है हमारी। अवनी आप घर कैसा रहा हो राहुल गांधी के साथ अनुभव, और राहुल गांधी के क्या व्यक्तित्व की क्या चीज़ आप लेके जाएंगे? देखिए मुझे जो सबसे बड़ी बात इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि हम जाति धर्म और क्षेत्र में और उसकी राजनीति में बढ़ गए हैं। तो जब मैं पूरी राजनीति को देखती हूँ तो मुझे राहुल गांधी ही अकेले एक ऐसे चरित्र दिखते हैं कि जो इंसानियत का मैसेज लेकर चल रहे हैं। तो दो लाइनें मेरे जहन में आती हैं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। तो मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जो संदेश है वो किसी जाति धर्म क्षेत्र की राजनीति से उठकर मोहब्बत का संदेश है, और उसी संदेश के पीछे उसी झंडे के नीचे हम सारे भारत यात्री हैं। युवा तो आप भी हैं और पर यहाँ पे जो जितने बुजुर्ग थे वो युवाओं को पीछे छोड़ देते थे, क्यों? एक्चुअली क्या है, इस यात्रा ने आज फिर से ये साबित कर दिया कि ये देश गांधी जी और नेहरू का देश है, और जब जब सत्ताधारी जो है वो हैवान होंगे तब तब कोई गांधी और गांधीवादी विचारधारा के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उनके साथ कदम से कदम ताल मिलाकर देश को वो प्राइम में गंगा जमुनी तहजीब को दोबारा से एकजुट रखने के लिए प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे लोग मेरे साथियों की आंखों में आंसू है जो लगभग पिछले तीन दिन से मैं लगातार देख रही हूँ, और ये हो भी क्यों ना, अभी आपके बहुत सारे लोग अपने मन मन में कंटेनर कंटेनर में बहुत सारे लोग बहुत भावुक हैं इस पल को। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन सब ने एक यात्रा जब शुरुआती दौर पे लोगों के पैरों के छाले देखे थे, उन्होंने देखा था किस तरीके से बुजुर्ग अपनी लाठी लेकर सड़कों पर आए थे और यात्रा को समर्थन देने के लिए जुटे थे कि कहीं हमारा देश कुछ फिर का प्रस्ताव तोड़ ना दे। इसलिए आज भारत जोड़ो के साथ उन्होंने आशीर्वाद देकर राहुल जी को भेजा, और उसी आशीर्वाद के साथ हम कन्याकुमारी से चलकर आज कश्मीर की हमने झंडे को फहरा दिया है। चलिए तो फिर कुछ गुनगुना दीजिए। बदल कर मानेंगे हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे हम लोग ऐसे दीवाने, मनिया को बदल कर मानेंगे, सच्चाई की खातिर इस जग में गांधी ने भी बोली खाई। चार किलोमीटर समथिंग कुछ। हाय डियर, कैसे हो आप? बस ठीक है। आपका नाम क्या है? गुलाम नबी। गुलाम नबी, कैसा लगा आपको गुलाम नबी सर राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ पर आई है? बढ़िया, अच्छा, तो बहुत बढ़िया, अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इस टाइम खुश हूँ, यही बस। आप बहुत खुश हो? मेरे दिल में खुश। चलो, थैंक यू वेरी मच सर।